हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जो कि आपको अपने एंड्रॉइड मोबाइल में उसको ऑफ करके रखना चाहिए। ये सेटिंग क्या है और ये कहाँ मिलेंगी, कैसे इसको ऑफ करना है, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको पांच ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं जो कि आपको अपने मोबाइल में ऑफ करके रखना है। ये मैं बताने वाला हूं आपको सैमसंग गैलेक्सी A52s में। आपको कोई से भी एंड्रॉइड मोबाइल हो, सब में ये सेटिंग मिल जाएगी, बस थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। तो सबसे पहले जो सेटिंग बताने वाला हूं वो है नियर बाय डिवाइस स्कैनिंग का। आपको इसको ऑफ करके रखना है। यहां चाहे तो आप अपने मोबाइल में सर्च कर सकते हैं सेटिंग में जाके, या फिर अगर आप सैमसंग गैलेक्सी में हैं तो कनेक्शन में जाएंगे। कनेक्शन में जाने के बाद आपको जाना है मोर कनेक्शन में, और यहां पर आपको मिल जाएगा नियर बाय डिवाइस स्कैनिंग का ऑप्शन। ये बैकग्राउंड में फालतू रन करता रहता है, जब आप इसको यूज नहीं करते तो भी ये रन करता है, मोबाइल की बैटरी भी खाता है और फालतू की वहां पर बैकग्राउंड में रन होता है तो रैम भी खाता है। तो आपको इसको हमेशा ऑफ करके रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो सेटिंग है आपको इसको ऑफ करके रखना है। तो दोस्तों, जो दूसरी सेटिंग है वो है अननोन इंस्टॉल अननोन एप्स। तो आपको उसको ब्लॉक करके रखना है, मतलब कि उसको सबको टर्न ऑफ करके रखना है। उसके लिए जाना है आपको यहाँ पर बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में जाएंगे तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल अननोन एप्स। तो आपको सबको यहाँ पर ऑफ ही रखना है, किसी को भी ऑन की परमिशन नहीं देनी, ताकि कोई भी ऐप आपके बिना मर्जी के, या बोल सकते हैं जो भी अननोन तरीके से इंस्टॉल ना हो, आपके मोबाइल को हार्म ना कर सके। तो आपको इसको भी ऑफ करके रखना है, ताकि सारी आपको एप्स के लिए इसको ऑफ करना है। आप देख रहे हैं जितनी भी एप्स है आपको सबके लिए ऑफ करना है, ताकि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं हो सके। तो सेकंड जो टिप है, या बोल सकते हैं सेकंड जो सेटिंग आपको टर्न ऑफ करनी है वो ये है। उसके बाद दोस्तों, जो थर्ड बताने वाला हूं उसके लिए वापस आपको सेटिंग पे आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ नीचे जाना है प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे। प्राइवेसी ऑप्शन पे जाने के बाद आपको ये नीचे की तरफ आएंगे। यहां पर आप देखेंगे सैमसंग की तरफ से आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सेंड डायग्नोस्टिक डाटा। तो आपको इसको ऑन ऑफ कर देना है, ताकि आपका कोई भी डेटा वहां पर सेंड ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, सैमसंग वुड बी अलाउड टू हेल्प टू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, योर फोन इंक्लूड डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर दैट मे यू का विथ योर कंसेंट ऑटोमेटिकली कलेक्ट डायनोमिक यूजर डाटा फॉर योर फोन इफ यू एग्री। मतलब कि हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए आपका डेटा को कलेक्ट करते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। तो आपको इसको हमेशा ऑफ करके रखना चाहिए। तो मैं इसको यहां से ऑफ कर देता हूं। तो इसको ऑफ करके आपको रखना चाहिए। जो तीसरी टिप थी वो ये थी। उसके बाद दोस्तों, जो फोर्थ बताने वाला हूं वो भी इसी से रिलेटेड है। पहले ये सैमसंग का था, अब ये गूगल की तरफ से आपको रहता है यूजर्स एंड डायग्नोसिस। तो आपको इसको भी ऑफ करना है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, हेल्प इंप्रूव योर एंड्रॉयड डिवाइस। एंड्रॉयड डिवाइस को एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए हम आपके डेटा को यहाँ पर एक्सेस करते हैं यूजर्स को। तो आपको इसको भी ऑफ करके रखना है, मतलब कि आपको दोनों को ऑफ करना है, उसको और इसको, दोनों को यहाँ पर ऑफ करके रखना है। उसके बाद दोस्तों, जो लास्ट बताने वाला हूँ वो भी बहुत ही कमाल का है, वो है लोकेशन सर्विसेज को लेके। तो उसी के नीचे आएंगे, प्राइवेसी के नीचे आपको मिलेगा लोकेशन। लोकेशन के नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर लोकेशन सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा। तो आप देखेंगे ये बाय डिफॉल्ट आपके पीछे बैकग्राउंड में काम करती रहती हैं, वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग। ये आपके लोकेशन को एक्यूरेसी देने के लिए बैकग्राउंड में काम करती हैं। आपको इसको भी ऑफ करना है, ये बिना फालतू बैटरीज भी खाते हैं और हर जगह लोकेशन की बिल्कुल सेंड होता रहता है। अगर आपको लोकेशन का ज़्यादा काम रहता है तो आप इसको ऑफ नहीं करें। अगर आप लोकेशन का यूज़ नहीं करते तो आप इसको ऑफ करके रखेंगे, ये भी बहुत ही काम की चीज़ है। दोस्तों, यही पांच आपको सेटिंग्स जो बताई मैंने, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों, ये उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी, तो मेरे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।